क्षेत्र से। लेफ्ट पार्टी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को कहा है, उसी के मंच पर बैठ के मुझे तो तेरे हाल पे रोना आता। कांग्रेस के संदर्भ में इतना ही कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के मंच पर जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि डूबते हुए को बचाना है, कौन डूब रहा है, कौन बच रहा है, ये तय कांग्रेस को करना। इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। सहयोग कार्यक्रम में संजय मयूख सर, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो मुलाकात करने पहुंचे और क्या कुछ बातें किए हैं और क्या कुछ मंत्री जी की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया है, हम इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या कुछ बात आपने रखी और क्या आश्वासन के तौर पर? नहीं, जो सहयोग कार्यक्रम एक अच्छे ढंग से बीजेपी का प्रोग्राम चल रहा है आम जनता के लिए, तो मैंने भी आज सोचा कि माननीय मंत्री कला संस्कृति विभाग से मिलकर एक आग्रह करूं कि बिहार में अनेक तरह के महोत्सव मनाए जाते हैं और इस कला संस्कृति महोत्सव में और बिहार के कलाकार ऊर्जावान हैं, तो इन कलाकारों को प्राथमिकता के आधार पर मौका मिले, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए हमने आग्रह किया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस भागीदारी को निश्चित तौर पर इसको सुनिश्चित करेंगे और इसको अमली जामा पहनाएंगे। क्या लगता है कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल पाएगी कलाकारों? निश्चित तौर पे बिहारी कलाकारों को एक अच्छा बेस मिलेगा, एक अच्छा आधार मिलेगा और बिहारी कलाकार अच्छे ढंग से काम कर सकेंगे और अपने कला को और बढ़ा पाएंगे, निखार पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपने सही शब्द लिया है कि प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो इस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने क्या बिहार के अब जो कलाकार हैं वो ये अपने अंदर ये भरोसा जता लें कि दूसरे दूसरे प्रदेशों में उनको सीखने के लिए खास करके निश्चित तौर पे उनको भरोसा रखना चाहिए कि जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने हमें भरोसा दिलाया है, मुझे विश्वास है कि युवा ऊर्जावान मंत्री हैं, निश्चित तौर पे इस पे अमली जामा पहनाएंगे। जातीय जनगणना को लेकर के क्या कहना है जो बैठक होने वाली है? पार्टी नेतृत्व आपको जरूर बताएगी और जब आप निर्णय आएगा तो आपको पता चलेगा। चुनाव होने वाले हैं दो सीटों पर, क्या लगता है? आरजेडी में एनडीए जीतेगी, 100% सीटों पर जीतेगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पार्टियां घर में रहती है और जो पार्टी बाहर रहती है उनको बिहार की जनता ने जिस तरह से कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उन्होंने लेफ्ट पार्टी को डूबते हुए जहाज कहे हैं, क्या लगता है कि इस बात से? लेफ्ट पार्टी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को कहा है, उसी के मंच पर बैठ के मुझे तो तेरे हाल पे रोना आता। कांग्रेस के संदर्भ में इतना ही कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के मंच पर जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि डूबते हुए को बचाना है, कौन डूब रहा है, कौन बच रहा है, ये तय कांग्रेस को करना है, क्योंकि कन्हैया कुमार का परिणाम तो आ चुका है बिहार में और मेरा मानना है 0+0=0। तो कांग्रेस और कन्हैया कुमार की जो संगत है, ये संगत 0+0=0 का है। आरजेडी भी कह चुकी है कि हम नहीं जानते हैं कन्हैया कुमार को। भाई जानता तो घर में कोई इस तरह से हारता है क्या? कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी अपने ही पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी में, जिस प्रकार का हार का मुंह खाना पड़ा है। अब कांग्रेस छूटे हुए कारतूस को यूज करना चाहता है तो उसके बारे में मेरा कोई सुझाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव उनको तवज्जो नहीं दी? भाई हम तो कह सकें, क्योंकि एक सशक्त एक विपक्ष है, लेकिन भाई जब कन्हैया कुमार ही कह रहे हैं कि यह बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है, डूबता हुआ प्लेटफॉर्म है, ये टूटा हुआ प्लेटफॉर्म है, तो ये तय कांग्रेस को ना करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। कन्हैया कुमार ने अच्छा प्लेटफॉर्म, बौखलाहट नहीं है कांग्रेस का, काहे का बौखलाहट? उनकी परिणति सामने आ चुके हैं, उनका परिणाम सामने आ चुका है और टुकड़े टुकड़े गैंग को बर्दाश्त करेगा क्या बिहार का? बिहार के कई लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी शहादत दी है, तो ऐसी स्थिति में टुकड़े टुकड़े गैंग को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के MLC रहे संजय मयूख सर, और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जिस तरह से बिहार के युवाओं को एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक अवसरवादी है और जो युवा हैं, जो कलाकार हैं, उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। अब आने वाले वक्त ही तय करेगा कि क्या मंत्री जी के जो दावे हैं वो कितने हद तक सफल होते हैं। अब देख, इस बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।